हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी लाइफ। आज हम बनाएंगे भिंडी की सूखी सब्जी प्याज के साथ। बहुत ही इजी रेसिपी है, 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं आपके साथ कुछ सीक्रेट शेयर करूंगी जिससे भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, तो वीडियो को आप प्लीज एंड तक देखें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, उससे आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी, भिंडी फ्राई। यहाँ मैंने 300 ग्राम के करीब भिंडी ली है और इसे अच्छे से धो के मैंने साफ कपड़े से पोंछ लिया है। भिंडी में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो भिंडी चिपचिपी बनेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। भिंडी को काटने से पहले आप इसे अच्छे से सुखा लें। तो चलिए भिंडी को काट के हम तैयार कर लेते हैं। मैंने भिंडी को इस तरीके से कट करा है, ना बहुत ज्यादा बड़ी ना बहुत ज्यादा छोटी। इस तरीके से आप डंठल अलग कर दें और भिंडी को इस तरीके से काट लें। तो भिंडी मैंने काट के तैयार कर ली है और साथ में ही दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने बारीक और लंबा काट लिया है। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है आधी छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 2 हरी मिर्च को मैंने लंबा काट लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। गैस ऑन कर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने डाला है 4 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल। वैसे भिंडी आप किसी भी तेल में बना सकते हैं, पर सरसों के तेल में भिंडी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो आप इसमें डाल दें 1/4 छोटी चम्मच हींग। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लें और अब हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च, मैंने इसे लंबा कट किया है, आप तीखा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। चला दें एक बार इसे और अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की बारीक और लंबी कटी हुई प्याज। प्याज को हमें बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट तक आप इस तरीके से चलाते हुए भून लें। और ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी, हल्दी को आप प्याज के साथ मिक्स कर लें। और अब हम इसमें डाल देंगे भिंडी जो हमने कट करी थी। तो ये मैंने सारी भिंडी डाल दी है। गैस का फ्लेम अब आप मीडियम पे कर दें और इस तरीके से चलाते हुए हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। भिंडी को हमें हल्के हाथों से मिलाना है, आप इसे बहुत तेजी से ना मिलाएं। भिंडी को जब हम इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाते हैं तो वो चिपचिपी नहीं बनती। मुझे करीब 5 मिनट हो गए हैं और भिंडी आधी पक चुकी है, तो अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे। गैस का फ्लेम अब आप लो पे कर दें। यहाँ हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। और अब मैं डालूंगी आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। मसालों को हम अच्छे से भिंडी में मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो पे रखना है और इस तरीके से चलाते हुए हम भिंडी को 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे या जब तक भिंडी अच्छे से पक ना जाए। 5 मिनट हो गए हैं, भिंडी अच्छे से पक गई है, गैस का फ्लेम बंद कर दें। तो तैयार है हमारी सिंपल एंड टेस्टी भिंडी फ्राई। भिंडी सबकी फेवरेट होती है, एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने इसे गार्निश करा है हरे धनिये और जिंजर जूलियंस के साथ। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल टेस्टी लाइफ को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेस्टी लाइफ।